आज के वीडियो में बात करने वाले ललित मिथिला यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम 2022 एडमिशन फॉर्म आ चुका है। इसका फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे इसी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। इसका सेशन जो है 2022 है, तो आप 2022 से 2025 के सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन होगा। तो सबसे पहले आपको सिंपली इस पेज पर आ जाना है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एलएलएम की और अपडेट मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपको रीड करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, इस पर आप क्लिक करके सिंपली आप इस पेज पर जा सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन यूजी पोर्टल है, सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए इस ऑप्शन जो है क्लिक कर लेते हैं। तो सिंपली आप यहां पर जो है एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे, जहां से आप यहां पर जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं क्या योग्यता होना चाहिए आप यहां पर बीए बीएससी बीकॉम के लिए अप्लाई करेंगे। और सब सेशन देख सकते हैं 2022 से 2025 सेशन है। तो सिंपली आपको यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर आएंगे तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले आपको साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर जो है क्लिक कर लेते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहां से आपको फॉर्म को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ हैं कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम बीए बीएससी कम सेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, यहाँ पर आप मिडिल नेम इंटर कर लेंगे, जो अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आपको लास्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी इंटर कर लेना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है। सिंपली आप यहाँ पर कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको जो है डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। ओके चलिए, तो डेट ऑफ बर्थ आपको हम सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो जनरल सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करके आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोर्स और यहाँ पर जो प्रोग्राम टाइप आपको आ जाएगा, जहाँ से आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पर आपको ऑनर्स सब्जेक्ट आपको यहाँ चूज कर लेना है, ऑनर्स प्रोग्राम को चूज करना है और सिंपली आप क्या करना है, डिटेल्स फिल करने के बाद साइन अप को ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप को ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए साइन अप जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल आईडी पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप क्या करना है, इसके ओके को ऑप्शन क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से ओके ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए सिंपली आप क्या करना है, आपको सिंपली मोबाइल नंबर चेक करना है। आपको अगर मैसेज नहीं मिला है तो सिंपली आपको 24 आवर्स वेट करना है, हो सकता है कि यहाँ पर 5 से 6 मिनट में आ जाए या फिर 24 आवर्स के अंदर आए। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, यहाँ पर आप पासवर्ड इंटर करेंगे जो भी मोबाइल नंबर आपको प्राप्त हुआ होगा। उसके बाद सिंपली लॉग इन ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है लॉग इन कर लेना है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर में आपका पूरा डिटेल्स आपको शो कर रहा है, सिंपली आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना। चलिए यहाँ पर जो है क्लिक कर लेते हैं। आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फादर्स नेम आपको यहाँ पर एज पर यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको यहाँ पर फादर नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर मैट्रिक के सर्टिफिकेट अनुसार आपको यहाँ पर मदर नेम इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको जो है नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो भी कास्ट आप बिलोंग करते हो वो कास्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो है प्लीज सेलेक्ट योर कास्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको डोमिकल सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। ओके डोमिकल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट बिलोंग टू आप यहाँ पर जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं ओबीसी एससी एसटी जनरल ओके, तो ये आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर एनी इन एडमिशन, तो यस नो आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है फिल करना होता है। अगर आप यहाँ पर कोटा के लिए आप क्लेम करते हैं तो अगर आप इसमें से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट कोटा या फिर आपको फाइन आर्ट्स कोटा, तो ये आप एनसीसी कोटा इसमें से आप बिलोंग करते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। ये जो है रिफ्रेश होगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको एनडीटी मार्क आपको इंटर कर देना है, अगर आपके शरीर पर किसी भी चीज़ का निशान हो जिसको आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। ओके तो इस तरह से आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग यस नो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप विकलांग है तो यस नो आप अपने अनुसार यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना होता है, तो जो भी यहाँ पर देख सकते हैं स्टार बना होता है, स्टार पर जो भी है वो आपको फिल करना जरूरी है। यहाँ पर सिंपली आपको आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर जो है चूज करना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो सिंपली आपको नॉट नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको यहाँ पर पता है तो सिंपली आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिल करना होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पूरा एड्रेस इंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको जो है सिंपली आपको स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस
वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस पर आप क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने एरिया का यहाँ पर जो है वो पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपको यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है, कोरस्पोंडिंग एड्रेस को आपको फिल करना है और इस पर आप टिक कर देंगे दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस आपको यहाँ पर जो है फिल कर लेना है। तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, तो फोटो सिग्नेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर फोटोग्राफ जो है यहाँ पर जो है 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, यहाँ पर मोर देन 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए और मैक्सिमम साइज आप देख सकते हैं 50 KB होना चाहिए, 50 KB से कम आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर आप देख सकते हैं मैक्सिमम साइज जो है 20 KB है, तो 20 KB से कम आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फोटो सिग्नेचर 50 KB से कम या 20 KB से कम नहीं है आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा, आप इस वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप अपना फोटो एंड सिग्नेचर जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और क्रॉप भी आप यहाँ पर आसानी से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखना है और आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है आपको रोटेट करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिंपली आपको फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर स्कैन किया हुआ फोटो आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आपको उसके बाद अपलोड फोटो का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इसमें वेट करना है। जैसे ही अपलोड फोटो का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको फोटो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सिग्नेचर चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करेंगे सिग्नेचर अपलोड के लिए, और यहाँ पर सिंपली आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, ओपन का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए उसके बाद सिंपली आपको 12 डिटेल्स आपको यहाँ पर स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी आप स्ट्रीम से 12 पास किए हैं ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई यहाँ पर जो है प्रॉब्लम होता है तो रिफ्रेश के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट पास यहाँ पर आपको जो इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट आपको शो कर रहा है, उसके बाद सिंपली आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से पास आउट है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पासिंग ईयर आपको दिख जाएगा, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर जो है सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। चलिए आपको यहाँ पर सिंपली पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पर 12th रोल नंबर इंटर करना है। उसका सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क डिटेल्स आपको यहाँ पर जो फिल करना होता है, तो सबसे पहले आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट है जिस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर मान लीजिए केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये रिफ्रेश होगा, आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको कितना मार्क ऑब्टेन किए हैं ये आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और टोटल आपको यहाँ पर जो है दिख जाएगा। ओके तो टोटल आप परसेंटेज आप देख सकते हैं, टोटल आपको यहाँ पर शो कर रहा है, टोटल आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है फिल है। यहाँ पर सिंपली आपको ऑप्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर इंटर करना है, परसेंटेज आपका यहाँ पर जो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर जाएगा किस सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर जो है इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर आप लोग इंटर कर लेना है, जो भी सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का है इसको आप यहाँ पर जो है इंटर कर लेंगे। चलिए मैं इस तरह से यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और सिंपली आपको यहाँ पर जो है ऑफलाइन मार्क्स आपको यहाँ पर जो इंटर करना है, प्लीज सेलेक्ट ओनली साइंस कंपल्सरी मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको जो फिजिक्स सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको फिजिक्स सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना ऑफलाइन मार्क्स आपको यहाँ पर जो है इंटर कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो इस तरह से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स आपको यहाँ पर इंटर करके आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। सिंपली आपको क्या करना है, 12th का मार्कशीट लेना है, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। उस कोर्स प्रोग्राम अप्लाई फॉर आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स को आप यहाँ सिंपली सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो है इंटर जो है आप आर्ट्स से किए हैं तो आप हो सकता है कि बीएससी आप यहाँ पर जो नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पर जो एक बार जो है नोटिफिकेशन आपको रीड करना है कर लेना है। और उसके बाद ऑनर्स सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आर यू एलिजिबल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसको आप यहाँ पर क्लोज करेंगे। न्यूनतम एक और अधिकतम 5 कॉलेजों का चयन किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है। और अगर कॉलेज में कोई मिस्टेक लगे तो आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन क्लिक करके आप प्रीफ्रेंस एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप चल जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको पेमेंट करना रहता है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप LMU BA BSc BCom 2022 फॉर्म को आप कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार दिक्कत हो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो कीजिए लाइक और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दे, आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू फ्रेंड्स।